Hey everyone, so today's video is about Faber-Castell review and मैं आपको बताऊंगी कि Faber-Castell की pencils जो ordinary pencil है अप्सरा की कैसे वो उससे अलग है. सो मैंने ये काफ़ी सारा सर्च करने के बाद, खुद यूज़ करने के बाद बताया है. सो जब भी आप ये Faber-Castell की pencil को buy करेंगे तो ये आपके अराउंड 350-400 के बीच में आपको पड़ेगी. एंड जो ये पेंसिल है ये रियली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि टर्न आउट अच्छी हुई जब मैंने यूज़ करा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपको रिव्यू देना चाहिए. सो जो Faber-Castell की पेंसिल्स हैं और जो ये अप्सरा की पेंसिल है ये डिफरेंट कैसे हैं. पहले तो जो Faber-Castell की पेंसिल है इसके अंदर जो हमारी जो सेट आता है ये इसके ऊपर 6 castles हैं, 9000 इस पर मैंशन है. पीछे आपका सारे अदर लैंग्वेजेस में है, पर मैं आपको जो इसके अंदर पेंसिल्स हैं वो बताती हूँ. HB, B2B, 4B, 6B एंड 8B. एंड जो इसकी पूरा ये कलर है, लुक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. जो आप इसे ओपन करेंगे तो ये मेरी यूज्ड पेंसिल्स हैं, तो इसके अंदर मैंने सैंड पेपर और एक ही कॉटन बट और सारी पेंसिल्स रख रखी हैं. एंड मैंने छोटी सी इरेजर रख रखी है जब हम स्केचिंग करते हैं तो हल्का हल्का पॉइंट आउट नोज़ पे देने के लिए उसके लिए. सो जो सारी पेंसिल्स हैं इन्हें देखिए आप, इसके अंदर जो सबसे मैंने जो बड़ी है और सबसे जो छोटी है उसके अकॉर्डिंग लगा रखा है. सो 8B, 6B, 4B, 2B, B एंड HB. HB तो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल पेंसिल है, बट जो 8B है मैं आपको सारा यूज़ करके बताऊंगी और एंड में आपको दिखाऊंगी जो मैंने अपनी बनाई है स्केचिंग वो कैसी है. सो पहले मैं आपको 8B दिखाती हूँ कि 8B पेंसिल कैसी है और इसका यूज़ करके कि ये कितनी डार्क है, कितनी पॉइंटेड और कितनी सॉफ्ट है. मैंने ना ब्रूस्ट्रो की शीट्स ले रखी है टेक्स्चर वाली, जिसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से दिखेगा इसका टेक्स्चर और ये हमने कैसे ग्रेफाइट इसकी कितनी सॉफ्ट है. बिकॉज़ ये 8B जो पेंसिल है ना, ये मैं हाईलाइट के लिए एंड बहुत डार्क शेडिंग के लिए होती है. सो मैंने जब इसे यूज़ करा ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. अच्छी इसलिए लगी क्योंकि ना ये फर्स्ट बाय है मेरा परचेज़, और फर्स्ट परचेज़ में मुझे इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं लगा जो बुरा है. मैंने इसको ना डार्क डार्क एकदम से यूज़ करा था, फिर उसके बाद मैंने सोचा इसे मैं अपने स्टम्प यूज़ करके इसे ब्लेंड करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका जो पूरा डार्क शेडिंग है कैसे दिखेगी. सो इसके ऊपर एक बार और मैं पेंसिल को दोबारा से हाईलाइट करूँगी, जो कि जो आपकी शेडिंग है जब भी आप करो स्केचिंग में तो इस तरह से टर्नआउट वो हो. सो ये पेंसिल स्मूथ पेंसिल है. अब हम बात करेंगे 6B की. 6B पेंसिल हमारी वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर हमें 4B से ज़्यादा डार्कनिंग देनी होती है. जब भी हम स्केचिंग करते हैं, किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो 6B एंड 4B एंड 8B, ये तीन पेंसिल्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. एंड एक है HB, वो मैं आपको भी बताऊँगी. सो ये भी बहुत डार्क थी. एंड जो अब बात करते हैं 4B की जो पेंसिल है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि छोटी है मेरे पूरे इसके अंदर पेंसिल बॉक्स में, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये भी. एंड जो अब हमारी है 2B की पेंसिल क्या है, जब हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं और जब हम पोर्ट्रेट पूरा ड्रॉ करते हैं उसका सारा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग का बेस, तो 2B हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. एंड दिस विल ऑल सो लाइक यू विल सी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है. एंड जो हमारी है बी, जब भी हम स्केचिंग करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, या फिर जो भी हम नोज एरिया, ईयर एरिया, जो भी हेयर लाइन है बनाते हैं, तो कुछ पेंसिल को ऐसे होल्ड करके बनाते हैं जिससे वो जो हमें डार्क देनी है जहाँ पर एकदम से हाईलाइट पॉइंटेड बनानी है वहाँ अच्छी बने. और जो HB पेंसिल है वो भी बहुत अच्छी है. अगर आप नॉर्मली एक ऐसा स्केच बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा प्रीफर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो मैंने इस पर मैंशन कर दिया है, दिस वन इज़ HB, दिस वन इज़ 6B एंड नेक्स्ट वन इज़ 4B, अदर वन इज़ 2B, फिर नेक्स्ट वन इज़ B, फिर उसके बाद है हमारी HB. दीज ऑल पेंसिल्स आर रियली गुड. बट अगर हम बात करें कि जो ये वाली हमारी Faber-Castell की पेंसिल्स हैं, ये अप्सरा पेंसिल से कैसे डिफरेंट हैं, सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है. बिकॉज जो अप्सरा पेंसिल है इसके अंदर अलग अलग शेड्स नहीं आती हैं. जैसे अगर हमें पोर्ट्रेट बनाना है किसी का, स्केचिंग करनी है, हमें डार्क शेड देनी है, कहीं हमें लाइट शेड देनी है, तो आप एक सिंपल पेंसिल से नहीं कर सकते और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होती है. जैसे आप 8B में देख सकते हैं कि ये काफ़ी ब्लेंड हुई है, और ये स्पेसिफिक प्रोफेशनल वर्क के लिए या फिर नॉर्मल बिगनर्स हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम सीखना चाहते हैं पर इतने ज़्यादा हम नहीं महंगी खरीद सकते हैं, तो फिर ये अगर आपका फर्स्ट बाय है, फर्स्ट परचेज़ है, तो आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है. गो फॉर इट गाइज, आप बिल्कुल भी आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे.
सोचो आपकी ये पेंसिल्स हैं, इसमें आपको सैंड पेपर पे मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगी किस तरीके से हमें इसकी ग्रिप को अगर थोड़ा सा पॉइंटेड से फ्लैटेड बनाना है और आपको एक ऐसा शेडेड देना है, हैचिंग करनी है, उसके लिए आपको सैंड पेपर का यूज़ करके फिर आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये सॉफ्ट पेंसिल्स हैं तो ये ईजिली आराम से सैंड पेपर के थ्रू आप इन्हें ब्लेंड कर सकते हैं। एंड ये जो पेंसिल्स है इससे मैंने ड्राइंग बनाई है, ये मैंने कैट ड्रॉ करी थी, मेरी खुद की कैट है पिपो। सो मुझे लगा कि मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि इन पेंसिल की हेल्प से मैंने ये पोर्ट्रेट पूरा ड्रॉ करा उसका और बहुत ईजिली बना। जो मैंने ये हाईलाइट दी है डार्क वाली वो 8B से दी है, मैंने 6B यूज़ करा है और 4B यूज़ करा है। और जब इस स्केचिंग को मैंने नॉर्मली स्टार्टिंग में बनाया था वो मैंने 2B की हेल्प से बनाया था, जो कि बहुत आपका जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है उसके लिए सबसे अच्छी 2B पेंसिल रहती है। ऐसा तो नहीं है गाइस मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ या कुछ भी है, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ जो बिगिनर्स हैं सीखना चाहते हैं उन्हीं की तरह। सो दिस इज़ रियली गुड। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ सो आई विल गिव 10 out of 10 टोटली। मैं बिल्कुल इस चीज़ से यही कंफर्म करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी पेंसिल्स हैं, गो फॉर इट, आप इसे ख़रीद सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी अनदर पेंसिल्स परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट एक सैंड पेपर अपने साथ रखिए, कॉटन बर्ड या जो भी ईयरबड है वो रखें, और ये बेस्ट पेंसिल्स है, गो फॉर इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।